सब्सक्राइब करें दिल्ली कुकबुक को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट रेसिपी आपसे मिस ना हो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेरी फ्लेवर्ड योगर्ट की रेसिपी। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल दिल्ली कुकबुक को सब्सक्राइब करें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में ऐड करेंगे रेस्पबेरी। ये मैंने फ्रोज़न रेस्पबेरी ली है 4 to 5 टेबल स्पून। पैन को हमें लो हीट पे गरम करना है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर 1/2 कप यानी कि 125 ग्राम्स। आप चाहें तो सेम रेसिपी को स्ट्रॉबेरी में भी बना सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। योगर्ट सभी के लिए काफ़ी हेल्दी होती है और अगर आप इसमें थोड़ा सा बेरी फ्लेवर ऐड कर दें तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। बेरीज को अब हम 3 to 4 मिनट्स के लिए अच्छे से बॉईल करेंगे। बेरी सिरप को हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से बॉईल कर लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, अभी ये थोड़ा सा थिक है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी 2 to 3 टेबल स्पून और मिक्स करेंगे। और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमें ये इतना लिक्विड चाहिए। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। बेरी सिरप हमारा रेडी है और अब हम इसे बाउल में निकालेंगे। सिरप को अब हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम 1/2 आवर के लिए इसको रेफ्रिजरेट करेंगे। और अब हम बाउल में ऐड करेंगे योगर्ट 1 कप यानी कि 2 1/2 कप्स। और योगर्ट हमें एकदम थिक लेनी है और अगर आपकी थिक ना हो तो आप उसे स्ट्रेनर में रखकर छान लें। बेसिंग शुगर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून, 2 छोटे चम्मच। और नमक हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने टोटल 250 ग्राम्स में 2 टीस्पून शुगर और 1/4 टीस्पून सॉल्ट लिया है। योगर्ट को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमने एकदम ठंडी योगर्ट लेनी है। अब हम सर्विंग बाउल में ऐड करेंगे योगर्ट और अब हम इसमें ऐड कर देंगे रेस्पबेरी सिरप 2 to 3 टीस्पून। सिरप भी हमें एकदम इसमें ठंडा ऐड करना है। और फिर हम दोबारा से इसमें ऐड करेंगे योगर्ट 4 to 5 टेबल स्पून। और लास्ट में हम इसमें दोबारा से बेरी सिरप ऐड करेंगे। सिरप की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और टूथपिक से हम इस तरह से थोड़ा सा सिरप को स्प्रेड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी रेस्पबेरी। रेस्पबेरी सिरप को आप 2 to 3 वीक्स के लिए फ्रिज में इजीली स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको फ्लेवर्ड योगर्ट बनानी हो तो बस उसमें ऐड कर लें। और इसी के साथ हमारी बेरी फ्लेवर्ड योगर्ट रेडी है। आप इसे चिल्ड सर्व करें और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल दिल्ली कुकबुक को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।